अभी रिसेंटली सैमसंग ने अनाउंस किया था कि गैलेक्सी एम सीरीज़ के स्मार्टफोन M10, M20 और M30 पर एंड्रॉयड पाई का अपडेट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा जून में। और फाइनली सैमसंग ने रिलीज़ भी कर दिया, मैंने कल ही वीडियो बना के डाला था इसके बारे में, और आज सैमसंग के तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है गैलेक्सी M30 के लिए एंड्रॉयड पाई बेस्ड वन UI 1.1 का अपडेट गैलेक्सी M30 पर आ गया है। अभी तक एक्सपीरियंस 9.5 पर चल रहा था एंड्रॉयड 8.0 ओरियो के साथ, लेकिन अब इसको पॉलिश्ड वन UI 1.1 वर्जन दे दिया गया। और सैमसंग ने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि गैलेक्सी एम सीरीज़ के जितने भी स्मार्टफोन होंगे उन सभी पर एंड्रॉयड पाई का अपडेट आएगा। बाकी अपडेट्स जो आएंगे दूसरे M20 और M10 पे उन पे एंड्रॉयड पाई बेस्ड वन UI मिलेगा या नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल M30 के लिए क्लियर है कि वन UI का अपडेट आ चुका है। अपडेट के साइज़ की अगर बात करें तो 1.1 GB का ये अपडेट है, और आपको अपडेट वर्जन जो देखना है डिस्क्रिप्शन में लिखा हो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इस नए अपडेट के साथ कुछ सही चीज़ें आ गई, जैसे फ्लोटिंग कीबोर्ड आ गया है, उसके अलावा M30 का जो कैमरा एप्लीकेशन है वो अब नया सीन ऑप्टिमाइज़र के साथ अपडेट हो चुका है, और उसके अलावा कई सारे कलर और एडिटिंग टूल्स भी आपके गैलरी ऐप में अपडेट कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ नए एप्लीकेशन भी मिलेंगे अपने M30 में जैसे ही आप वन UI बेस्ड इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे LinkedIn, मोबाइल ऑफिस, और उसके अलावा हाई एफिशिएंसी इमेज फाइल फॉर्मेट भी जो है वो सपोर्ट करेगा अब आपका गैलेक्सी M30। तो अगर आपके पास है M30 तो मज़े उड़ाएं, और नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, दूसरे बहुत सारे फ़ोन मार्केट में प्राइस रेंज मिल जाएंगे जिनको आप खरीद के सारे मज़े ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है।